नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं रंजीत झा। TET पास कैंडिडेट को मिल गया है पप्पू यादव का साथ। जी हां, पप्पू यादव आज गांधी मैदान में थे। पटना के गांधी मैदान में जाप संरक्षक और मधेपुरा सांसद पप्पू यादव TET कैंडिडेट के साथ खड़े दिखे। वहां उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। कौन सी बिहार का मजाक करके और अब हिंदुस्तान में SSC हो या एग्जामिनेशन हो, मेरा तो साफ है कि बेटर क्वेश्चन आउट हुए। अभी जो SSC में CBI जो इंक्वायरी हुई उसमें सबसे बड़ी मछली वही विद्यार्थी जो कोचिंग बड़े कोचिंग माफिया जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, आज वही लोग अलग हो गए और वो लोग गुंडा भेजते हैं SSC के बच्चों पर आंदोलन। और जो लड़का नेतृत्व करता था वो पैसा लेके बैठ गया। अभिषेक, बिहार में जितना भी आज देखिएगा दरोगा से लेके जो भी बहाली होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दर को मैनेज कर दिया जाता है, किसी न किसी व्हाट्सएप किसी न किसी तरीके से बंद करके सोल्व करके जाया जाता है। तो इसीलिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी TET जो पास कर चुके हैं, उत्तर हो चुके हैं लगभग 40-42 हज़ार के लगभग, और 42 हज़ार यदि होता है तो सरकार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। आपने वीडियो में देखा कि पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही TET पास कैंडिडेट के हक में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि TET पास कैंडिडेट 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अब सर्टिफिकेट मिलेगा, अब ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन बिहार सरकार सुन नहीं रही है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक बार फिर से वीडियो देखें। कौन सी बिहार का मजाक करके रहेंगे और अब हिंदुस्तान में SSC हो या एग्जामिनेशन हो, मेरा तो साफ है कि बेटर क्वेश्चन आउट हुए। अभी जो SSC में CBI जो इंक्वायरी हुई उसमें सबसे बड़ी मछली वही विद्यार्थी जो कोचिंग बड़े कोचिंग माफिया जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, आज वही लोग अलग हो गए और वो लोग गुंडा भेजते हैं SSC के बच्चों पर आंदोलन। और जो लड़का नेतृत्व करता था वो पैसा लेके बैठ गया। अभिषेक, बिहार में जितना भी आज देखिएगा दरोगा से लेके जो भी बहाली होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दर को मैनेज कर दिया जाता है, किसी न किसी व्हाट्सएप किसी न किसी तरीके से बंद करके सोल्व करके जाया जाता है। तो इसीलिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी TET जो पास कर चुके हैं, उत्तर हो चुके हैं लगभग 40-42 हज़ार के लगभग, और 42 हज़ार यदि होता है तो सरकार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव के नेतृत्व में क्या TET पास कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिल पाता है या नहीं, उन्हें इंसाफ मिल पाता है कि नहीं, इस बात का इंतजार रहेगा। लाइव सिटीज़ की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें livecities.in। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, उन्हें लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।